एग्जैक्टली 3 साल पहले मैंने हमेशा के लिए अपने माँ को खो दिया था। हेलो, कैसे हो आप सब। बाय द वे, आपने अगर अभी तक कोलकाता जाने का पहला पार्ट अगरतला टू कोलकाता ट्रेन जर्नी व्लॉग नहीं देखा तो पहले जाके वो चेकआउट करो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा इमोशनल हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो देखने पर पता लग जाएगा। फिर कोलकाता पहुँचने के अगले दिन सुबह 5 बजे हम थोड़ा टहल में निकले और मैंने व्लॉग शूट करना शुरू किया, तो आप क्लिप्स एंजॉय कीजिए। गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 5 और कुछ ऐसे शॉर्ट्स लिए हैं जो आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो देखिए। फिर सुबह 6:30 बजे दक्षिणेश्वर मंदिर के गेट खोलने के साथ ही हम चले गए सीधे घाट में गंगा मैया के दर्शन करने। अभी फिलहाल हम जिस जगह पर आए हैं उसे चेक करने। और जब मैं वहाँ पर ठहरा हुआ दिल को थाम कर उन कभी न रुकने वाले लहरों को महसूस कर रहा था, तब मुझे समझ आया कि लोग गंगा को माँ क्यों मानते हैं। जिंदगी में चाहे जितनी भी उलझन हो, उन लहरों के साथ आने वाले हवा दिल को एक अलग ही सुकून दे जाता है, क्योंकि मेरे भी कदम वहाँ पर बस रुक सा गया। और आप जानना चाहते हो ना मैं वहाँ पर क्यों गया था, तो सुनो। साल था 2019 जब मैंने अपने माँ को हमेशा के लिए खो दिया था, और मैं वहाँ गया था माँ की उन्हीं अस्थियों को हमेशा के लिए गंगा मैया को सौंपने। दक्षिणेश्वर मंदिर के उन अनमोल वाइब्स और अच्छाइयों को ना मैं आपको बता सकता हूँ और ना इन वीडियोस में दिखा सकता हूँ, क्योंकि रोज लाखों के तादाद में लोग वहाँ पर सिर्फ मंदिर की दर्शन और गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। और आखिर में मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन जगहों को मैं दर्शन कर पाया और जिंदगी को एक नई तरीके से महसूस कर सका। और एक बात मैं हमेशा दिल से कहना चाहता हूँ कि डियर गॉड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो में थोड़ा इमोशनल हो गया तो माफ़ करना। इस वीडियो को लाइक या शेयर करने को मैं नहीं बताऊँगा, ये आपकी इच्छा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, लाइफ में कभी पॉसिबल हुआ तो एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर और गंगा घाट की दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब्स का अनुभव करोगे, जो मैंने भी किया।